हेलो एस्पायरेंट्स, इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो इशू पे ये क्वेश्चन है वो है जैश ए मोहम्मद चीफ मौलाना मसूद अजहर, इनका बैनिंग इंडिया डिमांड कर रही है यूएन सैंक्शंस कमिटी से, बट ये प्रपोजल स्टॉल किया जा रहा है बिकॉज चाइना इसको वीटो करती है, उसको रिजेक्ट करती है। चाइना के पास वीटो पावर है यूनाइटेड नेशंस में, इसलिए ये हो नहीं पा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है और इन जनरल ब्लैक ऑफ ग्लोबल कंसेंसस ऑन टेररिज्म है, मतलब कि टेररिज्म क्या है, ग्लोबल कंसेंसस मतलब सारी कंट्रीज अग्री नहीं कर रही है कि कौन टेररिस्ट है कौन टेररिस्ट नहीं है। सो हर कंट्री एस्पेशली द सुपर पावर्स आर ट्राइंग कि ये टेररिस्ट अच्छे टेररिस्ट है, इनसे हम निगोशिएट करके इनको ऑन टेबल लाके ना इनसे डील कर सकते हैं। ऐसे इनिशिएटिव्स लेने की वजह से जो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है कि भाई ये जो जो ये एक्टिविटीज में इंडल्ज करेंगे वो टेररिस्ट है, सो ये ग्लोबल कंसेंसस नहीं आ पा रहा है। फिर अमंगस्ट बिकॉज राइवलरीज है, जैसे यूएस रशिया के बीच राइवलरीज है, तो वो अपने अपने ग्रुप्स अपने फेवर में ला रहे हैं और वो टेररिस्ट ना बने, उनको उनके अगेंस्ट सैंक्शंस ना आए, उसके लिए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं यूनाइटेड नेशंस प्लेटफॉर्म पे। तो ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेट करती है ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, तो वो हम यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि चाइना का जो डिसीजन था इंडिया का प्रपोजल जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर को बैन करने का यूनाइटेड नेशंस पे, ये एक लार्जर पिक्चर का पार्ट है और वो लार्जर पिक्चर ये है कि ग्लोबल कंसेंसस ऑन टेररिज्म मिसिंग है। तो ये क्वेश्चन है, अब चाइना ये प्रपोजल क्यों बैन कर रही है? तो ऑफकोर्स ये प्रपोजल बैन हो रहा है इन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो चाइना सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान को। तो हम देख रहे हैं कि चाइना काफी सारा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर रही है, जैसे कि उन्होंने ग्वादर पोर्ट डेवलप किया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरा डेवलप होने वाला है, प्लस इवन वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का ही पार्ट है ये, तो चाइना का काफी इनिशिएटिव यहाँ पाकिस्तान में है। प्लस ऑल्सो इंडिया का जो मेंबरशिप है एनएसजी में, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में, यहाँ पे भी चाइना ने उसको अपोज किया है। तो एनएसजी मेंबरशिप कंसेंसस से मिल सकती है, मतलब सारे मेंबर्स अग्री करें, पर चाइना एनएसजी मेंबर है और वो अग्री नहीं करती कि इंडिया को मेंबरशिप मिले। वो कहती है कि अगर इंडिया को मेंबरशिप चाहिए तो पाकिस्तान का भी मेंबरशिप बनता है, मतलब कि एक क्लियर आइडिया हो कि क्या क्राइटेरिया पे मेंबरशिप मिल रहा है और दोनों कंट्रीज मेंबर बने। तो ऐसे पॉइंट्स चाइना रख रही है फेवरिंग पाकिस्तान एंड इन फॉर दैट मैटर अपोजिंग इंडिया। तो ये जो बैन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, ये भी इन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मौलाना मसूद अजहर टेररिस्ट है, इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है, बिकॉज मौलाना मसूद अजहर इज द वन जिनको रिलीज किया गया था, वो इंडियन जेल में थे बट उनको रिलीज किया गया इन 1999, जब कांदाहार में जो IC-814 एयरप्लेन थी जो हाईजैक हो गई थी, तो यहाँ पे काफी सारे इंडियंस होस्टेजेस ले गए थे और इन होस्टेजेस के बदले रिलीज ऑफ टेररिस्ट मांगा गया था और उसमें ये मौलाना मसूद अजहर रिलीज हुआ था। तो अब ऐसे जब हो चुका है तो ये क्लियर है कि वो तालिबान से कनेक्टेड है, उन्होंने खुद ने क्लेम किया है, ही हैज रिटन अ बुक फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट टू फ्रीडम, सो इसमें इट हैज बीन क्लियरली मेंशन दैट कैसे टेररिस्ट प्लॉट पूरा बना और कैसे इसको अंजाम दिया गया, तो इट हैज ऑल बीन पुट ऑन पेपर। तो जब इतने सारे एविडेंसेस है एंड इट इज क्लियर दैट ही इज अ टेररिस्ट, तो फिर क्या चीज है जो स्टॉप करती है इंटरनेशनल कंसेंसस आने के लिए और चाइना क्यों इसे अपोज कर रही है? तो ये सिर्फ इस चीज की बात नहीं है बट इन जनरल जो है, बिकॉज तालिबान में हम देख रहे हैं गुड तालिबान बैड तालिबान का आइडिया बन रहा है, तो ये पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल रियलिटीज है रादर देन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म जो प्रोमिनेंट होती है, तो वो बात है। मौलाना मसूद अजहर ने ये भी क्लेम किया है कि ही हैज मेट ओसामा बिन लादेन, सो क्लियरली वो अलकायदा के रिक्रूटमेंट के लिए वर्क करते हैं, ये सब वो बता रहे हो। और ये जो यूएन सैंक्शंस कमेटी है, यहाँ पे अगर ये बैन आएगा तो जैश ए मोहम्मद पे बैन आएगा, मौलाना मसूद अजहर पे बैन आएगा, देन आफ्टर दैट टेरर फंडिंग जो है, फंडिंग इनको मिल रहा है, दैट विल बी कम्प्लीटली स्टॉप, देयर विल बी सैंक्शंस इम्पोज्ड अगेंस्ट देम, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू फंक्शन देम। तो इसमें होडल डालने की कोई रीजन है नहीं एक्सेप्ट दैट सपोर्ट टू पाकिस्तान। सो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सिर्फ इस केस में नहीं, इन जनरल भी इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि जो यूएन सैंक्शंस कमिटी जो डिसाइड करती है तो कंट्रीज का कंसेंसस नहीं होता है,
जैसे कि तालिबान, गुड तालिबान, बैड तालिबान, ये क्या पॉइंट्स है कि तालिबान से निगोशिएट करके उनको ऑन द टेबल ला के उनके साथ सेटलमेंट हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर काफी सारी कंट्रीज इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। रशिया भी इज इन टॉक्स विद तालिबान। तो ये सारे इनिशिएटिव्स की वजह से क्या हो रहा है कि रशिया ने प्रपोजल डाला है कि यूएन सैंक्शंस कमेटी में थोड़े तालिबान लीडर्स को निकाला निकाल दिया जाए, क्योंकि उनके साथ निगोशिएशन हो रहा है। तो ये पीस टॉक्स जो होते हैं तालिबान से, तो ये इसकी वजह से फिर तालिबान के अंदर डिविजन्स करके जब हम टेररिस्ट के साथ निगोशिएशन से डील करेंगे तो उनके अगेंस्ट फाइट कैसे हो पाएगा, फिर होल पिक्चर गेट्स कॉम्प्लिकेटेड। सो वो पॉइंट है। तो टॉक्स विद तालिबान, तालिबान के अगेंस्ट एक्शंस लिया गया, तालिबान अलकायदा पोस्ट 9/11 अटैक्स, यूएस अटैक्स हुआ, ट्विन टावर अटैक्स, उसके बाद ये ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेररिज्म स्टार्ट हुआ। कंसेंसस था, रशिया ने भी यूएस को कंप्लीट सपोर्ट किया अगेंस्ट तालिबान एंड अलकायदा। तो वो रशियन सपोर्ट ही था जिसकी वजह से यूएस अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाया अफगानिस्तान में एंड फाइट अगेंस्ट टेररिज्म इनिशिएट हुआ। बट नाउ रशिया हैज कम्प्लीटली अपोज दैट स्टैंड। इट सेज नो, यूएस प्रेजेंस इन अफगानिस्तान इन सेंट्रल एशिया कैन नॉट बी टॉलरेटेड। अब वो चाहती है कि यूएस वापस जाए एंड रशिया, ऑफकोर्स यूएस ने बैकट्रैक भी किया है, बट देन रशिया भी इसमें इन्वॉल्व है। तो रशिया इज ऑल्सो हैविंग निगोसिएशंस विद तालिबान ग्रुप्स एंड वो बोलते हैं ये तालिबान ग्रुप्स को बाहर निकालो और यूएस अलग तालिबान ग्रुप्स को मेंबर्स को बोल रही है इनको बाहर निकालो। तो इसमें भी वो लोग डिविजन्स कर रहे हैं और अपने एलिज बना रहे हैं, अपने फ्रेंड्स बना रहे हैं अमंगस्ट दी तालिबान मेंबर्स। सो दैट इज द होल सिनारियो, दैट यूएस रशिया की जो जो डिफरेंसेस है वो यहाँ पे भी ग्लोबल कंसेंसस ऑन टेररिज्म में भी क्लियरली रिफ्लेक्ट होती है और इसीलिए कंसेंसस नहीं आ रहा है। सो 2010 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था विद यूएन, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूके, यूनाइटेड किंगडम, सारे कंट्री साथ में आके उन्होंने ओपनली बैक किया था कि पीस टॉक्स होने चाहिए तालिबान के साथ। सो ऑफकोर्स ये कॉम्प्लिकेट कर रहा है मैटर्स को। 2011 में यूएन सैंक्शन कमिटी ने सेपरेट कर दिया, तालिबान कमिटीज अलग हो गई और अलकायदा सेक्शन अलग हो गया। तो इसकी वजह से अगेन दिस वॉज टू फैसिलिटेट टॉक्स विद तालिबान, तो इनके ऊपर सेंक्शन कमिटी भी सेपरेट हो गई है। अभी तो यूएन ने वो कमिटी को रीनेम भी कर दिया, वो आईसिल, इस्लामिक स्टेट के ऊपर एन अलकायदा सेंक्शन कमिटी हो गई है, तो तालिबान आउट हो गया है। तो ये सारे जो रीनेमिंग प्रोसीजर्स भी है, इस वजह से पाकिस्तान को भी ये गलतफहमी हुई कि जैश ए मोहम्मद जो तालिबान से अफिलियेटेड है तो उसके ऊपर भी कोई सेंक्शन नहीं आ सकते, तो ऐसा भी एक डाउट उन्होंने रेज किया था। तो ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेट करती है मैटर को। प्लस रशिया का और एक एंगल भी है, क्योंकि रशिया चाइना और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तो हमने देखा कि इवन उरी टेरर अटैक्स के टाइम पे, उसी के थोड़े टाइम बाद ही रशिया और पाकिस्तान का ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई। तो ये ज्वाइंट एक्सरसाइजेस विद पाकिस्तान, उनको सपोर्ट करना, तो तीनों कंट्री साथ में आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ब्रिक्स समिट में भी एक क्लियरली देखा, जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स है। तो ब्रिक्स समिट हुआ था अक्टूबर 2016 में, इवन हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुआ था दिसंबर 2016 में अमृतसर में। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि इंडिया के जो प्रपोजल्स थे टारगेटिंग पाकिस्तान एंड टॉकिंग अबाउट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये स्टेटमेंट्स को ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होने दिया। जो स्टेटमेंट्स आफ्टर द डिस्कशन आए, जो अग्रीमेंट्स बने उसमें, द रीजन बीइंग दैट वो डिक्लेरेशंस आते, क्योंकि समिट्स होते हैं उसके बाद डिक्लेरेशंस आते, तो इसमें ज्यादा मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि रशिया तब कह रहा था कि ये फोरम नहीं है ये बात उठाने का, इट शुड बी ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म, और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी वो सपोर्ट नहीं करते। तो चाइना ने अपोज किया है, वीटो किया है मसूद अजहर के बैनिंग को, और रशिया ने कोई स्टेप नहीं लिया, ना उसने सपोर्ट किया ना अपोज किया। तो ये क्लियरली बताता है कि इवन ग्लोबल फोरम्स में भी सपोर्ट नहीं है एंड इवन एट दिस रीजनल समिट्स ये कंट्रीज सपोर्ट नहीं करती है, दे सपोर्ट पाकिस्तान एंड फॉर दैट मैटर दे स्टैंड अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि वो ये एंटरटेन ही नहीं करते। तो ये जो प्रॉब्लम है ये काफी डीप रूटेड है। इवन इंडिया ने इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस, एक कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म प्रपोज किया था 1996 में। ये प्रपोजल अब तक यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट नहीं किया। रीजन क्या है? लैक ऑफ ग्लोबल कंसेंसस ऑन टेररिज्म के टेररिस्ट क्या होते, क्योंकि ये कन्वेंशन के अंदर टेररिस्ट टेररिस्ट है, देयर इज नथिंग लाइक गुड टेररिस्ट एंड बैड टेररिस्ट, यू कैन नॉट निगोशिएट विद टेररिस्ट। सो ये पॉइंट एक क्लियरली मेंशनड है। तो कौन सी एक्टिविटीज है जिसके अंदर एक टेररिस्ट डेजिग्नेट किया जाना चाहिए, वो क्लियरली डिफाइंड है। सो देयर इज अ यूनिवर्सल डेफिनेशन, ऑल ग्रुप्स जो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं उनका सबका सेफ हैवन
एंड करना है, टेरर फंडिंग को एंड करना है, पूरे उसमें क्लियर इनिशिएटिव्स है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म सपोर्ट नहीं कर सकते ऐसे क्रॉस बॉर्डर ग्रुप्स, मतलब एक कंट्री में वो टेररिस्ट है तो नेबरिंग कंट्री या कोई और कंट्री उनको सपोर्ट नहीं कर सकती, तो वो कटिंग दीज सपोर्ट सिस्टम्स, ये सब इनिशिएटिव्स उसमें स्ट्रांगली मेंशनड, पर फिर भी इसको अडॉप्ट नहीं किया गया है क्योंकि कंट्रीज के अपने अपने कंसर्न्स है। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का ये भी मानना है कि इस टेररिज्म के डेफिनेशन के अंदर थोड़े यूएस सोल्जर्स जो विदाउट यूएन मैंडेट भी इंटरनेशनल इंटरवेंशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो भी इस कैटेगरी में आ जाएगी, तो ये कंसर्न्स भी है। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में ये कंसर्न्स है कि इस वजह से ह्यूमन राइट्स जो है विथ रिस्पेक्ट टू टेररिज्म ऑल्सो ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स है, बिकॉज सम रिबेल ग्रुप्स जो है वो एक्चुअली फाइट करते हैं तो वो भी टेररिज्म डेफिनेशन में आते हैं, तो वो कैसे होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के कंसर्न है कि पैलेस्टीनियंस हु आर फाइटिंग फॉर देयर इंडिपेंडेंस कश्मीर, तो ये सारे यहाँ पे भी इनको टेररिस्ट डेजिग्नेट करेंगे तो हाउ विल दे फाइट फॉर देयर इंडिपेंडेंस। तो इसीलिए ये लैक ऑफ ग्लोबल कंसेंसस ऑन टेररिज्म जो है इस वजह से ही ये कन्वेंशन भी अडॉप्ट नहीं हुआ है। तो ये इज एन इम्पॉर्टेंट इशू एंड दिस इज द कॉल फॉर द डे कि ये किया जाए। मौलाना मसूद अजहर क्लियरली टेररिस्ट है, ही हैज बीन रिलीज्ड फ्रॉम इंडियन प्रिजन इन दिस एक्सचेंज इन हाईजैक, ही इज इन्वॉल्व्ड इन टेरर अटैक्स, पार्लियामेंट्री अटैक्स जो हुए थे 2001 में इंडियन पार्लियामेंट अटैक्स, वो जैशे मोहम्मद का ही रोल था उसमें, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन विच मौलाना मसूद अजहर हेड्स, इवन लेजिस्लेटिव असेंबली अटैक्स हुए थे जम्मू एंड कश्मीर उसमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट था, प्लस काफी सारे अटैक्स पठानकोट अटैक्स, इज क्लियर इन्वॉल्वमेंट ऑफ जैशे मोहम्मद। तो ये सारे क्लियर प्रूफ्स है कि जैशे मोहम्मद इज व्हाट इज द वन व्हिच इज इन्वॉल्वड इन ऑल दीज अटैक्स एंड मौलाना मसूद अजहर इज हिज इट्स मास्टरमाइंड, स्टिल कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द डे इज ग्लोबल कंसेंसस ऑन टेररिज्म। सो यही है इस डिस्कशन में। थैंक यू।